good morning students i hope you are well at your side today we will continue our chapter chapter number 4 in geography climate in this chapter we discussed about the seasons in india there are four seasons in india cold weather season which is called the winter season the hot weather season which is also called the summer season advancing of monsoon and retreat of the monsoon दीज टू सीजन आर रिलेटेड टू द रेनी सीजन रिलेटेड टू द रेनी सीजन एंड दीज आर कॉल्ड द विंटर सीजन समर सीजन एडवांसिंग ऑफ मानसून और अराइवल ऑफ द मानसून द अर्ली वीक ऑफ द जून मंथ इज कॉल्ड द अराइवल ऑफ द मानसून जब मानसून स्टार्ट होता है रेनफॉल आनी स्टार्ट होती है दैट इज कॉल्ड द एडवांसिंग ऑफ द मानसून रिट्रीटिंग ऑफ द मानसून इट मीन्स द बैक ऑफ द मानसून मानसून जब वापस जा रहा होता है वो सीजन एडवांसिंग ऑफ द मानसून इन द मंथ जून मे एंड जून द वेरी होट टेम्परेचर ऑफ द फुट हिल्स इन द हिमालया

हाई एयर प्रेशर एरिया जनरेट होता है तो वहाँ से सदन ओशन से विंड जो हैं वो नॉर्थ वार्ड्स की ट्रेड विंड हैं दे मूव टूवर्ड्स द नॉर्थ वार्ड्स एंड इन नॉर्थ वार्ड जब वो नॉर्थ वार्ड आते हैं तब वो इक्वेटर लाइन को क्रॉस करके आगे आते हैं और इंडियन ओशियंस के ऊपर आते हैं तो इन होट जो ओशियंस हैं ये वार्म ओशंस के ऊपर से आते हैं तो दे कैरीज द मॉइस्चर द विंड्स विच विंड हैव द इपोरेटिड वाटर, तो दे कैरीड द मॉइस्चर एंड दे एंटर इन द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया दिस मानसून इज कॉल्ड द साउथ वेस्ट मानसून एंड दिस मानसून हैज टू ब्रांचेज. वन इज द अरेबियन सी ब्रांच अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बेंगाल ब्रांच जब ही फर्स्ट जून को मीन्स फर्स्ट वीक ऑफ द जून को एंटर होते हैं इंडिया में एंड दे मूव टूवर्ड्स द लो एयर प्रेशर एरिया एंड दे एंटर बोथ कोस्टल साइड्स वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट इन वेस्टर्न घाट्स दे द वेस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट रिसीव्स द रेनफॉल मोर देन टू हंड्रेड फिफ्टी सेंटीमीटर तो यहाँ पर तेज बारिश होती है और द अपोजिट साइड ऑफ वेस्टर्न घाट इज द ली साइड एंड दैट प्लेस रिसीव नॉर रेनफॉल और लेस रेनफॉल या तो बहुत कम या होती ही नहीं है दैट साइड इज कॉल्ड द ली साइड और रेड रेन शेडो एरिया ऑल्सो इसे एरिया भी कह सकते हैं ली वार्ड साइड भी कह सकते हैं और जहां से विंड आती है और जहां रेनफॉल हो रही है प्लेस एरिया कॉल्ड विंड वार्ड साइड तो इन वेस्टर्न घाट, द रेनफॉल साइड रिसीव द रेनफॉल सेंटी मीटर एंड इन अदर साइड द बे ऑफ बेंगाल ब्रांच एंटर इन द ईस्टर्न कोस्टल एरियाज एंड द सेवन सिस्टर स्टेट्स और सेवन सिस्टर स्टेट्स में जो मेघालय है मेघालय प्लेट्यू इस मेघालय प्लेट्यू पर देर आर थ्री हिल्स गारो खासी एंड जैंतिया इन खासी हिल्स खासी हिल्स में ये जब एंटर होते हैं तो ये तीनों जो हिल्स हैं दीज आर इन द फनल सेप एक कीप की शेप में है ऐसे एक कीप की शेप में हैं और यहाँ यह ये मूव करती हैं विंड और एंट्र होती हैं तो इस फनल में फंस जाती हैं और यहीं पर रेनफॉल करती हैं द वर्ल्ड्स हाइएस्ट रिसिव रेन फॉल प्लेस मासीन राम इज लोकेटेड इन द खासी हिल्स एंड द सेकेंड हाइएस्ट रेन फॉल प्लेसेज इज़ द चेरा पूंजी एंड विच इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन दारो खासी हिल्स एंड ऑन द मेघालय प्लेटू तो वर्ल्ड में जो सब सर्वाधिक रेनफॉल वाले प्लेस हैं मासिन राम और चेरा पूंजी वो दोनों प्लेस इसी गारो खासी जैंतिया हिल्स में है और मे, मासिन राम है वो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्डेड यहाँ पर हुई है ये मानसून विंड जब एंटर करते हैं इंडिया में तो इन ए ऑलमोस्ट इन वन मंथ दे कवर ऑल ओवर द कंट्री बट इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान दे रीच ऑन द फिफ्टीन जुलाई पंद्रह जुलाई तक पहुँचती हैं और तब तक वो पूरे कंट्री में रेनफॉल करवाने में हेल्प करते हैं बट राजस्थान में इस मानसून से रेन फॉल बहुत कम होती है उसके पीछे रीजन है एक रीज़न तो ये है कि वैन द अरेबियन सी ब्रांच कम्स टूअर्ड्स द राजस्थान दोकेशन ऑफ द अरावली रेंज अरावली रेंज की लोकेशन होने के कारण उसके पैरेलल ये विंड आगे चली जाती हैं और यहाँ इस साइड में ये जो रेन शेडो एरिया बन जाता है अरावली रेंज का जो वेस्टर्न पार्ट है जिसमें राजस्थान के ट्वेल्व डिस्ट्रिक्ट आते हैं और इस साइड में यहाँ रेनफॉल अच्छी होती है और दे रीच टूवर्ड्स द यूपी एंड दिल्ली ऑल्सो तो वो आगे निकल जाती हैं और जो ऑफ बेंगोल ब्रांच का मानसून है ये विंड जब सेवन सिस्टर स्टेट से आते हैं और यहाँ से जब यहाँ तक पहुँचती है तब तक ये लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती हैं और जो लू है हॉट एंड ड्राई विंड्स वो लू भी इस वाटर को सोख ले तो ये यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इनके इनमें द अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर इज लेस बहुत कम हो जाता है और राजस्थान में रेनफॉल कम होती है तो साउथ वेस्ट मानसून की टू ब्रांचेज हैं जिनसे इंडिया में रेनफॉल होती है द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द इंडियन मानसून द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडियन मानसून इज द अनसर्टेनिटी ऑफ द मानसून अनसर्टेनिटी का मीन्स देर इज नो फिक्सेशन ऑफ द अराइवल ऑफ द मानसून रिट्रीट ऑफ द मानसून एंड स्पेल ऑफ द रेन एंड द इंटरवल ऑफ द रेन कि कब मानसून आएगा कितनी देर तक चलेगा कितनी रेनफॉल होगी ये सब अनसर्टेनिटी हैं और रिटर्न बैक मानसून कब हो जाएगा दिस इज आल्सो अनसर्टेन एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इज आल्सो कॉल्ड द वेरिएशन इन मानसून इन इंडिया वी नोटेड दैट इन वन कॉर्नर ड्यू टू हैवी रेनफॉल इन द रेनी सीजन द फ्लड्स आर अकर एट इन अदर हैंड ड्यू टू लो लेस रेनफॉल और नो रेनफॉल देर इज ए ड्रोट कि एक कॉर्नर ऐसा है इंडिया का जहाँ फ्लड से लोग परेशान हैं फ्लड आ रही है बाढ़ आ रही है तो दूसरे कॉर्नर ऐसे भी मिल जाएंगे जहां जाँग लोग पानी के लिए तरसते हैं और ड्रोट सूखे जैसी स्थिति पड़ जाती है जो अनसर्टेनिटी ऑफ द मॉनसून है इसी की वजह से इंडियन एग्रीकल्चर इंडिया इज ए एग्रीकल्चर कंट्री और इसे हम मानसून का जुआ कहते हैं एग्रीकल्चर को मानसून का जुआ कहते हैं बिकॉज इफ द मानसून इज सर्टेन देन ऑल थिंग्स आर वेल बट इफ द मानसून इज अनसर्टेन द थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल कि अगर मानसून टाइम पर नहीं आ रहा प्रॉपर नहीं आ रहा तो उसकी वजह से मानसून जो है वो एग्रीकल्चर जो बुआई कटाई वो सब डिस्टर्ब हो जाता है तो द क्रॉपिंग सीजन आर ऑल्सो डिस्टर्ब और फार्मिंग शेड्यूल है वो भी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है दिस इज द अराइवल ऑफ द मानसून